भाई ये देख लो, लग रही है शॉप हमारी चाट की। ये है धूमी लाल विशाल। अरे कुछ और आ गया यार। तो हाँ, तो बेसिकली अब हम लोग धूमी लाल विशाल चंद के नीचे ही बैठते हैं। हाँ, और आलू की चाट तो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे। कुल्ले की चाट अभी प्रिपरेशन चालू हो गई है, यहाँ पे चीजें बन रही है, आलू अभी डालेंगे यहाँ तवे पे। तो यहाँ पे आलू कैसे बन रहे हैं? ये रोस्टेड है, रेत का। हाँ। तो भाई ये आलू जो बन रहे हैं ना, ये रेत के बने हुए आलू होते हैं, तो इनका टेस्ट अलग ही आ रहा है। यानी रेत के बने हुए उबले हुए टेस्ट, उबले हुए आलू तो अलग ही टेस्ट आता होगा। तो पानी वाला होता है ना, तो पानी वाला हो गया। ये रेत वाला है तो इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। एक प्लेट लगा दो आप, ठीक है ना? तो अब हम लगवाते हैं इनसे अपनी प्लेट। एक रुकिए अंकल जी, प्लेट का प्राइस क्या है? प्राइस कैसे कैसे और इसका ये आलू का भुने आलू थर्टी इसका प्राइस भाई 30 है। तो हम आपको भी बाहर से थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। ये शॉप कहाँ पे है? चौबी बाजार मेन रोड 23 नंबर। तो भाई ये शॉप चावड़ी बाजार मेन रोड 3 नंबर पे मिलेगी आपको। हम दिखाते हैं, ये बहुत पुरानी शॉप है, 200 साल पुरानी शॉप है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट 1800। तो काफ़ी पुरानी शॉप है, तो इसलिए हम ट्राई करते हैं चीज़ें और बताते हैं ये चीज़ें उतनी ऑथेंटिक है या नहीं है। ये देखिए छिलक कट रहा है, केले में होल कर दिया। हाँ भाई, खीरे में भी ऐसी होएगा होल। अच्छा। लगता है दोनों में डाल के दे बेटा। तो हमारी ये भी खीरा लगा रहे हैं। तो ये आपके यहाँ पे कितना, मतलब 200 साल पूरे हो गए हैं? हाँ। ये नाम किसके नाम से रखा है आपने? जुगल किशोर राम दिलाल के नाम से। अच्छा, ये मेरे दादा और पिताजी का नाम। अच्छा, वो दे ये डोने में डाल के देना। तो मतलब चीज़ें इसमें काफ़ी हैं, मतलब टमाटर, केले, खीरा और शकरकंद। तो ये सब चीज़ें डलती हैं। तो इसमें स्पेशलिटी है आपकी इसके अंदर? मसाले। और ये देखिए बाकी जो भी इसमें मसाले, हमारी शकरकंदी है, रेत की बुनी होती है। अच्छा, शकरकंदी भी रेत की बुनी हुई है? हाँ। तो भाई ये शकरकंदी भी रेत की बुनी होती है, जैसे स्पीड देख लीजिए आप, काम करने की भी काफ़ी सही है। ये अब इसके अंदर होल करेंगे और इसके अंदर मसाले डलेगा। ये देखो, वो दे सकते हम जरा सा अनार निकाल लियो बेटा। तो अब इसके अंदर ये मसाले आ गए आपके। मसाले कौन से मसाले हैं? चाट मसाले, गर्म मसाले सारे मिक्स हैं इसमें। अच्छा अच्छा, ये इनका काला नमक जी, काला नमक हो गया आपका, ये भाई आपका जीरा पाउडर। हाँ, ये आगे पूरा आपकी शुगर। ये शुगर मीठा नहीं हो जाएगा शुगर से? नहीं, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखते हैं, हल्का सा अनार निकाल दिया इसमें। ये डलिए इसके अंदर मस्त एकदम नींबू, दिखने में लग रहा है ज़बरदस्त, खाने में भी ज़बरदस्ती होगा लग रहा है। हाँ, जब खाओगे आप खुद ही कहोगे बाकी। अच्छा, तो इसके ऊपर अभी आप अनार डालोगे? अनार डालूंगा इसमें, चने की पूरी करूंगा। चने और अनार, तो ये हमारे चने हैं जो डलेंगे ऊपर से, और ये ऊपर से ये अनार तोड़ रहे हैं, इसके बीच में डलेंगे। ये 10 मिनट भी नहीं है। अब इसके अंदर जाएंगे मसालेदार एकदम। ये मसाले है, चाट मसाले, काला नमक और भी मसाले हैं इनके, जो ये थोड़ा सा चीनी का भूरा, ये अलग चीज़ है। चीनी का भूरा वैसे ज़्यादातर लोग डालते नहीं है, ये इनका इमली का पानी ना। हाँ। और ये डल गया नींबू। हाँ, चाट का टेस्ट इससे बनता पूरा है। अच्छा, मेन टेस्ट इसी का है। तो इसके अंदर अब आप इसके ऊपर डालोगे? हाँ जी। चलो ये देखो, ये इसके ऊपर डल गए, देख के रुका नहीं जा रहा अभी तो हमारे, हमसे टेंड हो गया, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे हम लोग शॉप अब खुली है। तो अब खाएंगे हम, आपको बताएंगे कि किनका टेस्ट है कैसा। ये लो आपकी चाट हो गई, वापसी ऊपर आ गई। अच्छा, ये कैप वापस आ रही है जो भी निकली थी सारी की सारी। ये देखिए, वाह, ये डल गया ऊपर से मसाला। मतलब ये चटपटा होने वाला है काफी ज्यादा है? नहीं नहीं, नॉर्मली रहेगा, इतना मसाला डालने के बाद भी। अच्छा, इतना मसाला डालने के बाद भी नॉर्मली रहेगा? स्पेशली है ये हमारी। ओके, तो टेस्ट इतना टाइम से जो आप कह रहे हो 200 ईयर्स हो गए हैं, तो टेस्ट तो सेम ही होगा? सेम, 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 सेम। कोई चेंज नहीं है? नहीं।
तो भाई ये आ गया है, ये हमारे, अरे अरे काम आ रहे हो, काम आ रहे हो, ये राहुल है और ये हमारी बात, थोड़ी रोशनी में चलते हैं, थोड़ा सही से आएगा, अभी थोड़ी देर में आगे जाता हूँ, यहाँ रखते हैं। ओह गिर गया केला, तो भाई एक सेकेंड, केला हमारा अकेला रह गया। हाँ भाई हमने ले लिया है यहाँ की, क्या नाम है, मैं बार बार नाम भूल रहा हूँ, इनकी कुलिया की चाट। तो इसके अंदर इन्होंने, जैसे कि हमने आपको प्रोसीजर दिखाया है क्या क्या चीज़ें इन्होंने डाली है, ये अनार के दाने, चने, केले, टमाटर, खीरा, मतलब सब फुल ऑन टॉप पे एकदम मस्त लल्लन टॉप बना रखा है इन्होंने मामला। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं और मैं आपको पहले क्या खाऊं, पहले क्या खाऊं, मैं पहले केला खा के देखता हूँ। तो अहो इन्होंने बहुत चीज़ें डाली है भाई, भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब इतना ज़्यादा टेस्ट सही आ रहा है, है मसाला एकदम मॉडरेट डाला है इन्होंने और चटपटा पूरा आ रहा है, और ऐसा नहीं फ्रूट का टेस्ट छूट गया, मसालों के अंदर फ्रूट का भी पूरा टेस्ट आ रहा है, मसालों का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि मसाले पूरा का पूरा टेस्ट ले गया आपका। तो केला तो मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है, एक चीज़ और ट्राई करता हूँ मैं, इनका टमाटर, हाँ एक टमाटर देख लो इनका, राहुल ट्राई कर, ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा राहुल ट्राई करके बताएगा भाई कैसा है। अच्छा तू वो कर दे भाई, अब शकरकंदी है, शकरकंदी की बारी, शकरकंदी हमारी सब पे भारी है, लगा भाई कैसा है शकरकंदी का टेस्ट, जबरदस्त सारा शकरकंदी का, एकदम चटपटा, बिल्कुल भी तीखा नहीं है, एकदम A1 टेस्ट है, दिल्ली मशीन थी, मजा आ गया। और क्या बचा है हमारे पास, खीरा, खीरा, अरे वाह खीरा खा के देख, अरे खीरा देख तू, कैसा है यार, खाते के मजा आ गया, खीरा इतना टेस्टी लग रहा है, बस खाते जाओ खाते जाओ। तो कितने रेटिंग दे रहा है, 10 में से 9, वैसे ये 200 साल पुरानी शॉप है यार, टेस्ट इतना बढ़िया है भाई, घर पर जितनी मर्जी चाट बना लो ऐसा टेस्ट नहीं आएगा जैसे यहाँ, एक बार यहाँ आओ खाओ, हमको भी बताओ कमेंट्स में आपको कैसे लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भैया, एक दौलत की चाट लगा दो, ये देख रहे हैं क्रीम क्रीम, ये बनती किससे है, ये भैया दूध क्रीम खोया पिस्ता करारा खुरचन, अच्छा येलो पार्ट केसर वाला ग्रीन पिस्ता भैया, अरे बाप रे इतनी सारी चीजें जी भैया, और ये मैंने सुना है सर्दियों में रहता है बस, जी सर क्यों ऐसे बनाते कैसे हो, जो मतलब सर्दियों में ही रहता है, गर्मियों में मेल्ट हो जाता है ये, अच्छा तो ये बनाते कैसे वैसे भैया, कुछ प्रोसीजर होता है, ये बहुत टाइम लगता है और रात को 2 बजे उठना पड़ता है इसे बनाने के लिए, अच्छा रात को 2 बजे उठना पड़ता है जी, बाप रे मतलब बहुत मेहनत का काम हो गया, तो जी भैया मतली से मतते हैं इसको, अच्छा ऐसी ये मावा खुरचन, मावा खुरचन कम कम कम, वाह ये हुई गार्निशिंग एकदम, तो अब हम तैयार दौलत की, ये दौलत की चाट तैयार। तो भैया ये भैया इनको देख लो, अगर जिनको भी आना है इनके पास मिलेगी, शॉप का नाम है विनोद कुमार चौक और दौलत की चाट, और पेटीएम भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सो अब हम ये ट्राई करते हैं, एक बार दिखा दो, यहाँ पे लिखा हुआ दौलत की चाट में मक्खन के समोसे, ड्राई फ्रूट होते हैं भरे हुए और पूरे मक्खन के बने होते हैं, अच्छा जो अच्छा मंगाता है तो किसी नहीं रखते, ऑर्डर पे ही लेकर जाते हैं, ऑर्डर पे लेंगे तो मेल्ट हो जाएंगे भैया वो, अच्छा आइस बॉक्स में लगा के लेके जाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, तब जाके खिलाने पड़ते हैं वो भी अलग चीज़ है, वो भी ट्राई करनी पड़ेगी, अमेजिंग होता है, अच्छा। तो भाई अगर अगर मक्खन के समोसे खाने हो तो इन भैया का फोन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, मक्खन के समोसे मंगाए और खाए, और बाकी हमने दौलत की चाट दिखा दी है, तो चलिए अब खा के बताते हैं इसको, पकड़। तो गाइस ये ले लिए दौलत की चाट,
देख लो भाई, देख लो, हाँ हाँ जबरदस्त है। चल भाई क्या खाते हैं, खा के देख। ये हमारा है, देख लो भाई। तो ऋषभ जी कैसी लगी? मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया। ये तो नहीं गायब हो जाता एकदम, हाँ मतलब मुंह में जाती मेल्ट। गायब हो गया मतलब टेस्ट भी आ गया। ये क्या हो गया? टेस्ट भैया जादू है, जादू। टेस्ट भी आ गया, खा भी लिया और पेट भी नहीं भरा। और क्या लोगे? कुछ नहीं गया, हाँ मुंह में जाती गायब हो गया। और अमेजिंग अमेजिंग, बहुत जबरदस्त है भाई, बहुत जबरदस्त है। इसका टेस्ट भी अच्छा है यार, मानना पड़ेगा, जबरदस्त है यार। जैसे मतलब पैसे कब खर्च हो जाते हैं कुछ मालूम नहीं चलता ना, वैसे ही दौलत की चाट मालूम नहीं चलती कब खत्म होती है। तो जिसको भी आना है हमने आपको कांटेक्ट दे दिया है, आप यहाँ पर खा सकते हो, बाकी हर जगह आपको मिल जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे हम आ गए हैं शाही टुकड़ा खाने। तो शाही टुकड़ा आपको दिख ही रहा है, कोई स्पेसिफिक शॉप नहीं है, आप कहीं पे भी खा सकते हैं, जामा मस्जिद में जहाँ आपको स्टॉल मिल जाए। ये ब्रेड क्रम से बनाते हैं, तो इनसे इनके शॉप का नाम पूछते हैं और बताते हैं आपको कहाँ पे ये शॉप है। ऊपर शाही गुल पॉइंट है, नीचे शाही टुकड़ा मिलता है। और ये कितने का है? और बंदा कैसे है वैसे? कैसे? दूध ब्रेड और खोया। अच्छा सुनने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी देखते हैं खा के। एक हमारा निकाल दो, 30 का। कितने का? हाँ निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो भाई। जामा मस्जिद आकर शाही टुकड़ा तो खाना बनता ही है यार। हाँ और ये ब्रेड का बनता है ना? अच्छा भाई ब्रेड का बनता है, और बाकी हम आपको खा के बताएंगे। ये ऊपर से थोड़ा ये क्या खोया है, क्रीम, तो ये ऊपर से क्रीम भी डालेंगे शायद। क्रीम सेफ्टी क्रीम, दिखने में तो मस्त लग रहा है। ये देखो ये डाल दिया ऊपर क्रीम। ये आ गया हमारा, ये हमारे पास, ये देख लीजिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन। तो गाइस ये है हमारा शाही टुकड़ा, तो ये इसके ऊपर इन्होंने क्रीम डाली है, तो इसके ऊपर इन्होंने क्रीम डाली है ऐसे देख रहा हूँ। और ये हमारा ब्रेड से बनता है खोया, तो मैं इसको एक बार, हाँ ये ज़बरदस्त लग रहा है, ठीक है वाइट है। ये खा के एकदम मन मुग्ध हो गए, समझ नहीं आ रहा है क्या, मतलब कोई ज़्यादा मीठा नहीं है, हलवे जैसा लग रहा है बिल्कुल। और ये जो क्रीम है ना वो सोने पे सुहागा, तो 30 रुपये का मिलेगा अगर आप जामा मस्जिद आते हो, तो ये चीज़ तो खा कर ही जाना। सर्दी का टाइम है, गर्म गर्म मिलता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बाकी इसके अलावा और चलते हैं, और चीज़ें आपको दिखाते हैं इस सीरीज़ के अंदर हम, तो मिलते हैं नेक्स्ट आउटलेट में।